नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो मणिपुर में एक चंदेल नामक डिस्ट्रिक्ट है जिसके जंगलों में से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। अब रिपब्लिक टीवी की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि ये जो व्यक्ति है वो बर्मा से चूड़ाचांदपुर की ओर जो एक हथियार ले जाने के लिए सेफ पैसेज कौन सा है, सेफ रास्ता कौन सा है वो ढूंढ रहा, इस प्रकार का मालूम पड़ा है। साथ ही में उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया रिपब्लिक टीवी की कि ये पहली बार कि ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा गया है जो डायरेक्टली बर्मा के साथ कनेक्शन रखता है, और ये पहली बार ऐसा क्लियर एविडेंस मिला है कि बाहर के कंट्री का मणिपुर में जो हो रहा है उसमें हाथ है। तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, इसके बारे में कुछ महीनों पहले ही हमने बात की थी, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हाल में जो घटना हुई, जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, भारतीय सेना, भारत की सरकार, मणिपुर की सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को लेकर, जिसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया है पूरी तरह से, तो हो सके उतना हमारा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक हकीकत भी पहुंच सके, और साथ ही में हमको भी एक सपोर्ट प्रोवाइड हो सके जिससे हम और भी खबरें आप लोगों के लिए लाते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो रिपब्लिक टीवी की एक खबर आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि चंदेल डिस्ट्रिक्ट के जो फॉरेस्ट है उसमें से आसाम राइफल, जो कि भारतीय सेना का एक भाग है, उन्होंने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जो वहां पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा था। बाद में उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आसाम राइफल्स के पास से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो उन्होंने इंटरोगेशन के दौरान उस व्यक्ति के पास से ली थी, उसके अनुसार वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति था वो सगैंग से बिलोंग करता था, जो कि म्यांमार का एक रीजन है, एक स्टेट, और वो डायरेक्टली KNSA यानी कि कुकी नेशनल फ्रंट, जो कि म्यांमार में चिन स्टेट में स्थित है, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था। आगे इस रिपोर्ट में जिस तरह से बताया गया कि उसने यहां पर भारत में, जो भारत म्यांमार की पोरस बॉर्डर है जहां पर आसानी से मूवमेंट्स हो सकती है विदाउट एनी हर्डल्स, वहां पर उस बॉर्डर से वो भारत में घुसा और चंदेल के जो जंगल है उसमें वो रेकी कर रहा था, ये जानने के लिए कि कौन सा रास्ता सबसे सेफ है जिस रास्ते के थ्रू हथियारों म्यांमार से चूड़ाचांदपुर तक पहुंचाया जा सके। ये बात भी आसाम राइफल्स ने स्पष्ट की कि वो व्यक्ति वहां से फिर चूड़ाचांदपुर की ओर निकलने वाला। अब ये वही चूड़ाचांदपुर है जहां पर रेगुलर बेसिस पर वायलेंस होते रहता है। वहां पर जो कुकीज हैं उन लोगों की संख्या काफी ही ज्यादा है, जैसे कि हमने आपको आगे भी बताया कि कुछ कुकीज ऐसे हैं जो सालों से यहां रह रहे हैं, तो वे लोग ऑलरेडी भारतीय सिटीजन है, लेकिन साथ ही में कई सारे ऐसे भी हैं जो म्यांमार में जो कुकीज हैं उन लोगों को अपने वहां पर पना देते हैं ताकि यहां पर मणिपुर में अलग अलग जगहों पर वे लोग उपद्रव मचा सके, इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सके, और इवेंचुअली पहले एक यूटी की मांग कर सके और बाद में एक सेपरेट नेशन की मांग कर सके। इसका अगर पूरा जो घटनाक्रम और ये जो भी एक बात है, जो ये जो पूरी उन लोगों की मोडस ऑपरेंडी है, उसको अगर आपको समझना है तो सिर्फ एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, अलग अलग कई सारे वीडियोस हैं, उसके लिए हम अलग प्लेलिस्ट बना देंगे स्पेसिफिकली फॉर मणिपुर ये वीडियो को अपलोड करने से पहले, ताकि आप लोग वो जो हम लोगों ने अलग अलग वीडियोस पिछले कई सारे महीनों में जो इन्फॉर्मेशन एविडेंसेस और अलग अलग एजेंसीज के पास से इन्फॉर्मेशन हमने लेकर जो डिटेल्स साझा की वो भी आप लोग जान सके, ताकि आप लोग भी समझ पाए कि किस तरह से इस पूरे मणिपुर वाले मामले में घटनाएं हो रही हैं और साथ ही में किस तरह पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही। तो ये थी हाल की घटना जिसमें एक व्यक्ति जो डायरेक्टली कुकी नेशनल आर्मी, जो कि म्यांमार में स्थित उसका व्यक्ति था, उसको डिटेन किया गया है और आसाम राइफल्स ने इंटरोगेशन के बाद उसको चंदेल पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तो हाल में वो चंदेल पुलिस की गिरफ्त में है और बाद में जो भी उसके ऊपर डेवलपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन बात करते हैं कि क्या ये पहली बार है, क्या ये पहला व्यक्ति है जिसको भारत की एजेंसीज ने या फोर्सेज ने अरेस्ट किया है, पकड़ा है, जो डायरेक्टली मणिपुर से कनेक्शन रखता है या नहीं। तो जवाब जी नहीं, ये पहली बार नहीं है। 3 महीनों पहले NIA ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक रॉजर नामक व्यक्ति इम्फाल एयरपोर्ट से डिटेन किया गया, जिसके डायरेक्ट कनेक्शन मणिपुर के साथ है, कुकी नेशनल फ्रंट के साथ है, वो चीन स्टेट में अगेन स्थित है, जो कि NSA भी रिलेटेड है, तो उसको अरेस्ट किया गया था और
बाद में इंटरोगेशन के बाद पता चला कि वो यहां पर भारत आया था, मणिपुर में जो उपद्रव ऑलरेडी मचा हुआ है, जो वायलेंस चल रहा है, उसको और भी बढ़ाने के लिए, और साथ ही में अन्य जो आसपास के राज्य है उसमें भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए उसको भारत भेजा गया। तो 3 महीने पहले रॉजर नामक एक व्यक्ति को, जो कि उसका निक नेम है, उसका रियल नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, तो वो हमने 3 महीने पहले जो रिपोर्ट हमने आपके साथ साझा की थी उसमें हमने शेयर किया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन था और उसकी क्या मंशाएं थी और किस तरह के स्टेप्स एनआईए लिए। तो इसी प्रकार से ये पहली बार नहीं है जब भारत की एजेंसीज को ऐसा कोई व्यक्ति हाथ लगा है जो डायरेक्टली बर्मा के मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ। आगे भी इस प्रकार के व्यक्ति को डिटेल किया गया है। तो भारत की एजेंसीज को और भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस, उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि विदेशी ताकतें हैं जो भारत उपद्रव करने में, यहां पर मणिपुर में उपद्रव मचाने में इन्वॉल्व है, और वो अपने मजे ले रही हैं और अपना जो एक गोल है, जो टारगेट है, उसको अचीव करने में कॉन्स्टेंट लगी हुई। तो इसी प्रकार से बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही केयरफुली, पीसफुल, जहां तक हो सके उन लोगों को जो रास्ते से भटक गए हैं, जो कि भारतीय नागरिक है, तो रास्ते से भटक गए हैं, उन लोगों को भारत सरकार द्वारा मेन स्ट्रीम में वापस जोड़ा जा रहा है। और साथ ही ऐसे जो लोग हैं जो विदेश से आए हैं या फिर ऐसे जो रेडिकल हो गए, उन लोगों को डायरेक्टली पकड़ा जा रहा है और अगर जरूरत पड़े तो उनका एनकाउंटर भी किया। तो इसी प्रकार से भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी, भारत की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट लगी हुई हैं कॉन्स्टेंटली ऐसे जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पिछले दशकों से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, वो रिसेंट नहीं है, वो पिछले कई सारे दशकों से एटलीस्ट फॉर पास्ट 20, 30, 40 ईयर्स वो लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। उन लोगों में से कई सारे लोगों को रेगुलर बेसिस पर वे लोग भारत की सरकार और उन स्टेट्स की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, ये सभी मिलकर उनको वापस मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो उपद्रव मचाने के लिए आतुर है, उन लोगों को उस प्रकार का जवाब दिया जाए। बात करते हैं नैरेटिव की, तो अगर आप मणिपुर के लोगों का ट्विटर हैंडल अगर चेक करें तो ज्यादातर मणिपुर से जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो नैरेटिव्स निकल कर आते हैं, वो यही है कि भारतीय सेना, भारत की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जिससे मेथिस को प्रोटेक्शन मिल सके, जिससे वहां के लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। और इनफैक्ट कुछ नैरेटिव्स यहां तक भी चलाए जा रहे हैं, एक जू वाली प्रिया है, जैसे इंटरनेट जब शुरू हुआ तब शुरू शुरू के टाइम में एक एंजल प्रिया हुआ करती थी, उसी प्रकार से एक जू वाली प्रिया है जो कॉन्स्टेंटली ये नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि भारतीय सेना कुकीज के साथ मिलकर मेथिस के ऊपर हमला कर, या फिर भारतीय सेना कुकीज किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही होती या फिर उन लोगों को सपोर्ट कर रही होती, तो किस प्रकार से समय दर समय ऐसे जो संगठन हैं और ऐसे जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली पकड़े जा रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली डिटेन किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर एनआईए से भी स्टेटमेंट आते हैं, जिसके ऊपर आसाम राइफल से भी इंफॉर्मेशन आती है, जिसके ऊपर वहां की जो स्टेट पुलिस है उनके पास से भी इंफॉर्मेशन। तो अगर आप सिर्फ उन लोगों के नैरेटिव पर अगर चलते हैं तो आपको एक समय पर यह लगेगा कि भारतीय सेना, भारत की सरकार और वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कुछ भी नहीं कर रही है और भारत के लोग मर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये कि मेथीज में भी एक समय पर मिलिटेंट ग्रुप हुआ करते थे, आरामबाई तेंगो, यूएनएलएफ और ऐसे कई सारे अन्य ग्रुप्स हैं, नागास कम्युनिटी का भी एनएससीएन करके एक मिलिटेंट ग्रुप है, उनके भी अलग अलग फैक्शंस हैं। तो हर एक जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स, उनको धीरे धीरे करके कॉमन प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को लाया जा रहा है, और साथ ही में जितने भी हो सके, जैसे कि हमने बताया, उतने लोगों को वापस भारत की मेल से जोड़ा जाए, तो जहां तक हो सके डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा रहा है, मेथीज की, वहां के लोगों की जो भी इश्यूज हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, उसको हम यहाँ पर खारिज नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह से जायज हैं और वो हैं। तो पीपल आर सफरिंग इन मणिपुर, बट द प्रॉब्लम इज वे बिगर देन वी थिंक, देन दिस नैरेटिव्स कैन डिफाइन। तो कभी भी उस प्रकार के जो नैरेटिव्स हैं उसमें फिसल न जाए, अपना रिसर्च करें, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का वीडियो देखकर,
आपको कभी भी मणिपुर की या नॉर्थ ईस्ट की जो पूरी बात है, जो पूरा मसला है, सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात, उसका जो पूरा मसला है वो सिर्फ एक वीडियो में से या सिर्फ एक दो लोगों को फॉलो करने से आपको कंप्लीट नहीं हो जाएगा। उसके लिए कई सारे अलग अलग फैसेट्स हैं, कई सारे अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। हम लोग रेगुलर बेसिस पर अलग अलग फैसेट्स को, अलग अलग एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। इसके अलावा आपके पास अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप हमारे साथ वो इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर और ट्विटर के अकाउंट से भी जुड़े, ताकि आप लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन और वीडियोस भी मिलते रहे। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब कभी भी रैंडमली किसी भी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक लगा देता है, वार्निंग डाल देता है, और हाल ही में उन लोगों ने इस चैनल को पूरी तरह से डीमोनेटाइज कर दिया। तो उसी के चलते हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियोस को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो आप लोगों तक पहुंच सके, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पार्शली आती है, फुल्ली नहीं आती है। यहाँ पर हम लोग रिपब्लिक टीवी को डिनाउंस नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट रिपब्लिक टीवी इज वेरी डेडिकेटेडली वर्किंग टू एक्सप्रेस द रियलिटी फ्रॉम ग्राउंड इन केस ऑफ मणिपुर, इन केस ऑफ बांग्लादेश। तो उन लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो वहां पर ग्राउंड पर जाते हैं, जो काफी ही खतरनाक सिचुएशन है, फिर भी वे लोग वहां पर ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। तो वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, बट कहीं ना कहीं उन लोगों के पास भी हो सकता है कभी ना कभी इंफॉर्मेशन कम आती है, ज्यादा आती है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन छूट जाती है। तो वही चीज यहाँ पर भी संभवतः हुई है, जिसके लिए हमने ये स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आपने हमारा वो 3 महीने पहला वीडियो देखा है जहां पर हमने वो एनआईए की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ इंडिया ने ये बताया था कि उन्होंने इम्फाल एयरपोर्ट से एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसके डायरेक्ट कनेक्शन केएनएफ के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि म्यांमार में स्थित एक मिलिटेंट ग्रुप है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।